जब मैंने कार्यभार संभाला तो ऐसी स्थिति थी कि ये मंत्रालय की प्रतिमा पूरी नकारात्मक थी। लोग समझते थे यहाँ मेट्रो आएगा तो अटक जाएगा। सारा रोड ब्लॉक का माहौल था और इसलिए हमने इसी को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और सारी प्रक्रियाएं चुस्त दुरुस्त कर दी। मोदी सरकार के गठन के बाद सरकारी तंत्र में आया बड़ा परिवर्तन। पर्यावरण मंत्रालय ने अपने पंच तत्वों की रक्षा और संतुलन का जतन शुरू किया। मोदी जी से प्रेरणा लेकर काम शुरू हुआ तो हर तरफ इसके सुखद परिणाम दिखने लगे। 2 सालों में जंगल बढ़े, प्रदूषण में कमी आई, प्रक्रियाएं सरल हुईं। पिछले 10-12 सालों से वनीकरण के लिए जमा किया हुआ पैसा बैंकों में पड़ा रहा, वनीकरण के काम नहीं आया। कैसी विचित्र स्थिति है देश में। जंगल के 3 करोड़ हेक्टर वन भूमि आज एक बंजर जैसी है, वहाँ जंगल नहीं है। और दूसरी तरफ देश के उद्यमी बाहर से 40,000 करोड़ की लकड़ी आयात करते हैं। इसलिए पर्यावरण मंत्रालय ने कानून ही बदल डाले। अब वो पैसे वनीकरण के लिए खर्च होंगे। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना जो उद्यमी आज आयात कर रहे लकड़ी, उनको हम जंगल की भूमि देंगे लीज पर और कहेंगे कि यहाँ जंगल का निर्माण करो और आपके उपयोग के लिए काटो, फिर से जंगल निर्माण करो, तो जंगल भी बढ़ेगा, आय भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उत्कृष्ट नमूना होगा। परिवर्तन की चली गांव गांव और शहर शहर। शहरी जीवन को वन से जोड़ने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू की नगर वन उद्यान योजना और बच्चों के लिए स्कूल नर्सरी योजना, जहां बच्चे पौधे लगाएंगे और बच्चों के साथ साथ पौधे भी बढ़ेंगे। जंगल में बाघ होने का मतलब है कि पूरे जंगल की व्यवस्था एकदम चुस्त है। पिछले 2 सालों में बाघों की संख्या बढ़ी है और कुल मिलाकर दुनिया के 70% बाघ आज भारत में हैं। सिर्फ बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर ही नहीं, देश के 30,000 हाथी, 3,000 एक सिंघी गेंडे और अन्य जीवों के लिए भी प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे अनेक विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। जंगल और वन्य जीवों की रक्षा के लिए, उनके तस्करों को रोकने के लिए ड्रोन निगरानी करता है, ई सर्वेलेंस देखरेख करता है, कैमरा ट्रैप मोमेंट्स पकड़ता है और फॉरेस्ट गार्ड अपने मोबाइल के सहारे जंगल की घटनाओं को चित्रित करता है और उसकी रिपोर्टिंग भी। अब जंगल भी है टेक्नोलॉजी से लैस। आकाश को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण मानक ज्यादा सख्त किए गए हैं। 3,400 प्रदूषणकारी उद्योगों की चिमनियों पर और गंदा पानी बाहर ले जाने वाली पाइप्स पर रियल टाइम मॉनिटरिंग यंत्र लगवाए गए हैं। 15 मिनट में एक भी मानक पर ज्यादा प्रदूषण हुआ तो ये यंत्र तुरंत मालिक, मैनेजर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मंत्रालय को सूचित करता है। देश में प्रदूषण की समस्या गंभीर बनती जा रही है, क्योंकि वाहनों से प्रदूषण होता है, उद्योगों से होता है, कचरा और खेत जलाने से होता है और धूल से भी होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने प्रदूषण का संपूर्ण चित्र देने वाला, रियल टाइम मॉनिटरिंग करने वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया है, जो आज 35 शहरों की हवा का हाल हर पल प्रसारित कर रहा है। दिल्ली में पिछले 10 साल से प्रदूषण की समस्या गंभीर बनती जा रही थी। हमने सत्ता संभालते ही उस पर ध्यान दिया और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सभी नजदीक के जो प्रदेश है उनको साथ लेकर और दिल्ली सरकार और नगर निगमों को लेकर एक अच्छा कार्यक्रम बनाया और जिसके चलते आज दिल्ली के प्रदूषण में कुछ सुधार हुआ है और 1 साल का और 3 साल का कार्यक्रम अब लागू हो गया है। चाहे सागर हो, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो,
पानी साफ सुथरा रखना हमारा काम है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और इसलिए गंगा की सफाई यह हमारी प्राथमिकता थी। तो उसमें सीवेज से भी गंदगी आती है, कचरे से भी आती है, औद्योगिक प्रदूषण से भी आती है। हमने गंगा के किनारे बसे 740 उद्योगों को एक यंत्र लगाने को आदेश दिया कि 24 घंटे उनके पानी कैसा जाता है गंगा में उसका निगरानी करेगा और पल पल की खबर हमें देगा, और ये सफल हुआ। इससे आज गंगा में होने वाले औद्योगिक प्रदूषण में एक तिहाई कमी आई है। यही गंगा सफाई अभियान की पहली सफलता है। इतना ही नहीं, भारत के 7000 किलोमीटर लंबे सागरी किनारे और 1300 द्वीपों के भी समुद्री किनारों के इंच इंच का नक्शा पिछले 2 सालों में तैयार किया गया है, ताकि पता चले कि समुद्री पर्यावरण को कहाँ संकट है, कहाँ इरोजन है, कहाँ रिस्क है। वालू का अवैध उत्खनन इतना हुआ है कि जिससे नदियाँ सूख गई है और नदियाँ संकट में है, और इसलिए हमने तय किया कि एक सस्टेनेबल सैंड माइनिंग पॉलिसी लाएंगे। अब इसके तहत हम सैटेलाइट से देखेंगे कि नदी में कहाँ बालू जमा है और कितनी बालू जमा है, उतनी और वही बालू निकालने की इजाजत मिलेगी। ये बालू माफिया ने नदियों को सुखाया है, यह हम खत्म करेंगे। नदियाँ जीवित रहेगी, नदियाँ सूखेगी नहीं, और जितनी जरूरत की चीज है वो बालू भी लोगों को मिलेगी। यही सस्टेनेबल सैंड माइनिंग है। बिगड़ी हुई व्यवस्था को अगर सुधारना है तो बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं। पहले तो नीतियां बदलनी पड़ती है, फिर प्रक्रियाएं पारदर्शी करनी पड़ती है, फिर विकेंद्रीकरण करना पड़ता है, और फिर मानकीकरण करना पड़ता है। हमने चारों काम किए। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, हमने TOR स्टैंडर्डाइज कर दिए है, हमने और 10 जगह से विकेंद्रीकरण करके फैसले लेने की शुरुआत की है, और इसके चलते जिस परमिशन को पहले 600 दिन लगते थे आज 190 दिन लगते हैं, और आने वाले दिनों में ये 100 दिनों में ही काम होगा पर्यावरण शर्तों के साथ समझौता किए बगैर। ये महत्वपूर्ण बात है। पर्यावरण मंत्रालय ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब डिफेंस प्रोजेक्ट्स को जनरल अप्रूवल दे दिया गया है, चाहे 6000 किलोमीटर का बॉर्डर रोड हो या डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या फिर नेवी का सीबर्ड प्रोजेक्ट, सबको मिला है जनरल अप्रूवल। माओवादी क्षेत्रों में भी सड़क निर्माण के लिए दिया गया है जनरल अप्रूवल। देश में 600 जंगल है, उन 600 जंगलों को इको सेंसिटिव जोन एक सीमा निश्चित करने का कोर्ट ने आदेश दिया था। 10 साल हुए काम नहीं हुआ था, लेकिन हमने ये तय किया, और मुझे खुशी है कि 2 साल में 400 से अधिक जगह की सीमा निश्चित हुई। इसलिए जो व्यवधान आता था, जो कंफ्यूजन था, वो खत्म हो गया। अब जंगल की रक्षा भी बेहतर हो रही है और बाहर विकास भी ठीक हो रहा है। अब 2 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़े भवन निर्माण प्रोजेक्ट्स को पर्यावरण की परमिशन के लिए 2-3 साल नहीं लगेंगे। अब इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है, जिसका बिल्डिंग प्रोजेक्ट है वो ही पर्यावरण का काम करेगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स को वहाँ की कॉरपोरेशन जो परमिशन देगी वही मान्य होगा। इन सभी को अमल में लाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए शिविर लगाए गए। चिंतन शिविर लगा है, कह दो बात जो कहनी, जन जन से हाथ मिला के स्वच्छ करेंगे। पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कचरा, रद्दी, वेस्ट, और इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। ये मोबाइल हर एक के हाथ में है, 100 करोड़ मोबाइल है देश में, यानी हर साल 25 करोड़ मोबाइल खराब होंगे और कचरे में जाएंगे। तो इसका कचरा प्रबंधन ठीक करना, इसी को ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कहते हैं। वैसे ही बायोमेडिकल वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट है, और प्लास्टिक वेस्ट तो हम जानते हैं कि कैसे प्लास्टिक का कचरा तकलीफ देता है, और इसलिए सभी कचरे प्रबंधन के नियम हमने नए सिरे से तैयार किए हैं, क्योंकि जब तक कचरा प्रबंधन ठीक नहीं होता तब तक स्वच्छ भारत का सपना साकार नहीं होता। हिमाद्री तुंग श्रृंग हिमालय हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर है। इसके अध्ययन के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने लगभग 150 करोड़ रुपए का बजट बनाया है, ताकि जाना जा सके कि हिमालय के पर्यावरण को क्या संकट है और कैसे उसे दूर या कम कर सकते हैं। देश के छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने एक ट्रेन चलाई है,
क्लाइमेट चेंज स्पेशल एक्सप्रेस, पृथ्वी का तापमान क्यों बढ़ा और कैसे कम किया जा सकता है, इससे संबंधित सारी जानकारी एक प्रदर्शनी के रूप में इस ट्रेन में है। पर्यावरण का सबसे बड़ा मुद्दा है कि विकसित देशों ने अंधाधुंध कार्बन उत्सर्जन करके अपना विकास तो कर लिया, पर अब दूसरे विकासशील देशों को वो रोक रहे हैं। COP21 विश्व सम्मेलन में भारत की उपस्थिति और नेतृत्व का डंका बजा। पेरिस में भी समझौता भारत के मन मुताबिक विकासशील देशों के हित में हुआ। तो ये हमारी नीति है, यही हमारा संकल्प है, डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन, विनाश के बिना विकास। विकास की मिसाल पूरे देश को बनाएंगे, पर्यावरण हम ऐसा स्वच्छ बनाएंगे।